जैसा कि दोस्तों आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 25x35 और आप जैसा आप देख पा रहे होंगे फ्रंट से, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने से बोला था कि सर मुझे 25x35 का एक डिज़ाइन दे दीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन मैंने उनके लिए किया है और आप देख भी पा रहे होंगे, अगर इसको फ्रंट से देखें तो आप ऐसा दिख रहा होगा विद कार पार्किंग। ये जो मॉडल है दोस्तों 25x35 विद कार पार्किंग है। अगर आपके पास कार है तो आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। तो अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो ऊपर से आपको ये ऐसा दिखने वाला है, और अगर इसका साइड व्यू देखें तो आपको ऐसा दिखने वाला है। मैंने ये घर जो भी है बहुत ही ओपन बनाया है, क्योंकि कंजेस्टेड घर आजकल ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास जगह पर्याप्त है तो आप ओपन घर ही बनाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो पूरा इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो हमेशा के तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाना चाहूँगा। तो जैसे इसको ट्रांसपेरेंट आप करते हैं तो देखिएगा ये मॉडल और भी बेहतरीन आपको देखेगा। ये ट्रांसपेरेंसी में सारी दीवारें आपकी हाइड हो जाती हैं और आपको ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये दिखने वाला है। तो ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा और ये फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। जो आप ये स्टार्टिंग में देख रहे होंगे ये एक डिजाइनिंग है, ना कि और भी कुछ, सिर्फ डिजाइनिंग है और ये एक रेलिंग भी है। तो चलो इसका हम ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम ले चलेंगे ट्रांसपेरेंसी मोड से रिमूव करके इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं। जैसे आप ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कार पार्किंग के लिए स्पेस है और ये आपका बेल लगा हुआ है, ग्रीन बेल। ये आप पर डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर जैसे हम डिस्कस करें, तो फ्रंट से देखिएगा आपको ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिख रहा है और इसका टॉप व्यू आपको ग्राउंड फ्लोर का ऐसा दिखेगा। तो जैसे आप इस पर इंटर करते हैं तो सबसे पहले ये गेट, अभी कार पार्किंग के लिए जगह है। मैंने टोटल 25 फीट चौड़ाई था इसको डिवाइड किया है 12.5 में, और जो लंबाई था टोटल आपका 35 फीट उसको मैंने 12.36 मतलब 12.5 पोर्शन में डिवाइड किया है, और पीछे वाला आपका 11 फीट का है, ये 12 का, ये 12 का है। तो टोटल ये मॉडल है फ्रंट से आपको। तो यहाँ से जैसे आप इंटर करते हैं ये आपको छोटा सा एक पार्क भी यहाँ पे मिलेगा जो आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर का। ये आपका पार्किंग का स्पेस है, ये आप यहाँ पर अपनी बाइक या साइकिल जो भी चाहे वो पार्क कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेन डोर है। मेन डोर को मैंने ग्लासेस का बनाया है कि वेंटिलेशन के लिए। आप भी छोटे छोटे विंडो देख पा रहे होंगे, ये विंडोज है और ये मेन डोर है। इसको जैसे आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर आते हैं और आपको ये बहुत सारा बड़ा सा एक प्लेस मिलता है, और सामने 12.5x11 के लगभग आपको रूम मिल जाते हैं, दो बेडरूम। और उसके लिए मेन गेट एक के लिए ये है और एक के लिए ये है, ये इसके लिए विंडो दे दिया है। और साइड में मैंने दोस्तों ये ओपन किचन दिया है। किचन में मैंने जो गेट लगाया है वो बिल्कुल वेंटिलेशन पारदर्शी मतलब कि जो जालीदार गेट होता है वो लगाया है। ये आपका यहाँ पर बाथरूम है। अगर हम लेटरिन की बात करें दोस्तों, तो लेटरिन आपका यो बाहर से मैंने यहाँ पर स्टेयर्स दी हैं सीढ़ियाँ, तो आप जैसे यहाँ से जाएंगे ना तो यहाँ से आप स्टेयर से चढ़कर तो स्टेयर्स के नीचे ही लेटरिन, और जो स्पेस आपका बचेगा वो आपका बच जाता है एज अ ग्राउंड। आप प्ले कर सकते हैं, आप कुछ भी अपना यूज कर सकते हैं। अगर आप सब उधर चाहते हैं कि मुझे एक रूम और चाहिए तो आप वो बाहर रूम डिजाइन कर सकते हैं, जो जहाँ पर मैंने स्टेयर्स किए यहाँ पर आप एक रूम और डिजाइन कर लें, और ये वाला जो स्टेयर्स है वो आप यहाँ पर स्टेयर्स बनवा सकते हैं अपना सीढ़िया। ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ये जो घर बनाया है अगर आप चाहें एक फ्लोर अपना किराए पर देना तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसलिए बाहर से स्टेयर्स दी है, जो भी बंदा है अपना बाहर से ऊपर जा सकता है। अब चलो इसका हम डिस्कस करिए। तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर, तो जैसा कि आपने देखा होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मॉडल अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक अभी से कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब इसको हम ले चलते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड आप देखिए फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, और ये मैंने लेटरिंग में जो आपका दिख रहा है ना, तो वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक झरोखा टाइप का दिया है, ये आप पे डिपेंड करता है क्या देना चाहते हैं। जैसे अभी स्टेयर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप इस जगह आएंगे, और इस जगह से फिर से सेम बिल्कुल पीछे वाला मॉडल सेम ही है, मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया है। वहीं पर लेटरिन, वहीं बाथरूम, वहीं आपका टॉयलेट सब कुछ है, और ये आपको स्पेस ही लेकिन यहाँ पर मिल जाता है। जो आपको नीचे आपका कार था वो जगह घेर रहा था, जो कलेक्ट कर रहा था, वो आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। ये आपका बहुत ही बेहतरीन एक लॉन्च दिखेगा आगे, जो कि बहुत वेंटिलेशन और आपका प्रॉपर तरीके से घर को मेंटेन करेगा। तो ये पूरा जो मैंने बताया ये तो था इसका फर्स्ट फ्लोर। अब इसके लिए चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। आपको तो देखिए सेकेंड फ्लोर में मैंने कुछ खास डिज़ाइन नहीं किया है, सिर्फ रेलिंग दिया है, और 2.5 फीट का रेलिंग दोस्तों ये एक्स्ट्रा बड़ा होगा। और ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ रेड ग्रीन कलर का, ये वेल है और आप यहाँ पर अपना वेल लगा सकते हैं। और
ये देखिएगा पूरा, जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये मैंने ढक दिया स्टेयर्स को जिसमें बरसात में आपका पानी ना जाए। तो ये पूरा मॉडल था जिसका साइज था 25x35 और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि सर मुझे 25x35 का मॉडल डिजाइन कीजिएगा। तो नील ने बहुत बेहतरीन मॉडल ये डिजाइन किया। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको लाइक शेयर जरूर कर दें, और मैं उन सब्सक्राइबर से ज़रूर कहना चाहूँगा जिनके लिए मैंने ये डिजाइन किया है, आप इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि जो भी मॉडल मैं क्रिएट करता हूँ काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय इन्वेस्ट होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपग्रो करने में हमारी ज़रूर सहायता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।